ऊपर वाला ने हम सबको एक अनोखी पहचान दी है इस जीवन में कुछ अनोखा करने के लिए। हर कोई आशा करता है कि उसका जीवन सफल हो और वो उन ऊंचाइयों को छुए जिसकी वो कल्पना करता है। और मैं कुछ अलग नहीं हूं, मेरा सपना था कि मैं एक अभिनेता बनूं। हम सपनों की दुनिया में जीते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अपने सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जाग जाओ। कहते हैं ड्रीम्स आर जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर डिजायर्स, मतलब सपने आपकी इच्छाओं का एक अक्ष है, लेकिन आंख खुलते ही आपके सामने वो शक्ति आ जाती है कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। और ये शक्ति ऊपर वाले ने सबको बराबर दी है। फर्क सिर्फ इतना है कि मुट्ठी भर लोग ही इस बात को समझ पाते हैं और बाकी निराशाजनक जिंदगी बिताते हैं। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों का लाइफ में नजरिया बहुत निराशावादी यानी पेसिमिस्टिक हो गया है। कोई भी अनोखी घटना हमारे लिए एक अपवाद यानी एक्सेप्शन बन जाती है। हम सोचने लगते हैं कि ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं हो सकता, और फिर किस्मत पर मटकी फोड़ना तो हमारी खानदानी आदत। एक छोटे कद का आदमी कभी बास्केटबॉल प्लेयर नहीं बन सकता, शरीर से भारी आदमी डांसर नहीं बन सकता, और एक आम दिखने वाला आदमी कभी अभिनेता नहीं बन सकता। ये है हमारी लाइफ के प्री कंसीव्ड नोशंस। धीरे धीरे हमें अच्छाइयां दिखने बंद हो जाती हैं। हम हर चीज में बुराई ढूंढते हैं। एक खूबसूरत सफेद दीवार पर अगर कोने में काला दाग हो तो हमें वो दाग दिखेगा, सफेद रंग नहीं। याद रखिए कि एक निराशावादी व्यक्ति को हर अवसर में कठिनाई दिखाई देती है, लेकिन एक आशावादी व्यक्ति को हर कठिनाई में अवसर दिखाई देता है। आपकी सबसे बड़ी खासियत आप खुद हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, इसलिए असंभव के लिए तैयार रहिए। याद रखिए कि आपके सपने किसी चमत्कार से नहीं बल्कि निश्चय भाव और संघर्ष से पूरे होते हैं। हमारी जिंदगी की सोच का दायरा प्री कंसीव नोशन यानी पूर्व काल्पनिक धारणा से घिरा होता है। माँ बाप जब बच्चों को जिंदगी में कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं तो हमेशा किसी साधारण व्यक्ति की सफलता की कहानी सुनाते हैं। बचपन में तो इन कहानियों से मन बहलता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये कहानियां हमारे जीवन की प्रेरणा बन जाती हैं और वो शख्सियत बन जाते हैं हमारे आइडल। हम सबके जीवन में एक आइडल होता है जिनके जैसे हम बनना चाहते हैं, वही शोहरत या रुतबा पाना चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इन कहानियों का सिर्फ अंजाम देखते हैं, उसकी शुरुआत नहीं। दुनिया की चकाचौंध में हमें एक कामयाब इंसान का संघर्ष नहीं दिखता, उसके महंगे कपड़ों के नीचे धूप में तपा शरीर नहीं दिखता, जिस मुकाम पर आज वो पहुंचे हैं उस मुकाम का चुकाया मुआवजा नहीं दिखता। तो हर उस व्यक्ति की शुरुआती जिंदगी बहुत साधारण रही है। इन्होंने कुछ ऐसे ठोस निर्णय लिए जिनकी वजह से एक कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते रहे। ऐसे निर्णय लेने का साहस एक बुलंद रवैये यानी एटीट्यूड से आता है। मेरे पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही वो अमीर थे, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे जीवन में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन है तो मैं अपने पिताजी का नाम लूंगा, क्योंकि मैंने उनके जीवन के संघर्ष से प्रेरणा ली। फिर चाहे वो कश्मीर से निकल के एक नया जीवन बनाने का संघर्ष या परिवार के अच्छे पालन पोषण का। जब मैं फिल्म जगत में अपनी पहचान ढूंढ रहा था तब उनका संघर्ष मेरा आदर्श बना। अपने संघर्ष की तकलीफ को जब मैं अपने पिताजी के संघर्ष से तोलता हूं तो मुझे अपनी परेशानी बहुत हल्की लगती है। जीवन में हार ही इंसान की सबसे बड़ी सीख है, क्योंकि हार के बाद ही आप जीतने का मतलब समझते हैं। इस बात से मुझे ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन का एक वाक्य याद आता है। जब वो बार बार इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में नाकाम हो रहे थे तो उनसे किसी ने कहा, क्या आप अपनी नाकामयाबी से शर्मिंदा नहीं? तो इसके जवाब में उन्होंने कुछ इस अंदाज से कहा, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। ये है परसिस्टेंस का नतीजा जिसने नाकामयाबी की परिभाषा ही बदल दी, और फिर वही हुआ जो होना था। एडिसन साहब ने दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया और अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया।